हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टू की मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर वन है, क्या है लंबा, क्या है गोल। उससे पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। नाम बताओ। बच्चे अपने मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं, वे रोज़ उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीज़ें रखी हैं। खेल है नाम बताओ। तो खेल तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चों। इसमें हमें बस सिर्फ बताना है कि वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। और इस चैप्टर के जो आप साइड्स में देख सकते हैं, आपको लंबा क्या है, गोल क्या है, ये शेप आपको दिया गया है, आकार। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लंबा है वो बैट है और जो गोल है वो बॉल है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो, तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है। मैं तुम्हें बताऊँगा वह चीज़ छूने में कैसी लगती है, ठीक है। तो मीकू चाचा छू कर बताएंगे और हमें बस गेस करना है कि वो चीज़ क्या है। मीकू चाचा अपना हाथ थैले में डालते हैं। टीम ए गाना गाती है, ठीक है। और टीम, देखिए यहाँ पे टीम बी भी है इस तरफ। आंखें नीचे पता लगाएं, हाथ से छुए और बताएं, छूने में कैसा ज़रा बताएं, हम नाम बताएं खेल जीत जाएं। तो बच्चे गाना कैसे गा रहे हैं देखिए। आंखें नीचे पता लगाएं, हाथ से छुएं और बताएं, छूने में कैसा ज़रा बताएं, हम नाम बताएं खेल जीत जाएं। देखिए अब मीकू चाचा क्या कहते हैं। एक छोर नुकीला, दूसरा छोर चपटा, पाइप की तरह गोल, क्या है तोल मोल के बोल, ठीक है। आप देखिए जो एक साइड जो है वो कैसा है, नुकीला है, ओके, और दूसरी ओर चपटा है और पाइप की तरह है, इस तरीके से पाइप की तरह है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। तो टीम ए कहती है पेंसिल। तो क्या है ये, पेंसिल है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पेंसिल है। क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो। क्या तुम सोच सकते हैं ऐसे कोई जवाब हो। ऐसा जवाब बिल्कुल है। आप पेन देखे हैं आपने, पेन भी क्या होता है, एक तरफ नुकीला होता है और दूसरी तरफ चपटा होता है, पाइप नुमा होता है, ओके। तो दूसरा जो आंसर होगा आपका पेन होगा बच्चों। अब देखिए, अब टीम ए की बारी है छूकर पता लगाने की। वे गाते हैं, छूने में कैसा ज़रा बताएं, नाम बताएं खेल जीत जाएं। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है। टीम ए के दूसरे बच्चे को पता लगाना है, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। तो देखिए इस बच्चे ने थैले में हाथ डाला है, सब तरफ से गोलम गोल। उसने क्या कहा, सब तरफ से गोलम गोल, न कोई कोना न कोई छोर। हाथ में अपने इसे घुमा लो, चाहे तो इसको लुढ़का लो, सोचो तो क्या हो सकता है यह। तो बच्चों आप पता कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो एकदम गोल हो, जिसका कोई ओर और छोर ना हो, कोई नुकीला कोई चीज़ नहीं है, कोना भी नहीं है, लुढ़का लो, अगर उसको हम लुढ़का दें तो वो लुढ़कता चला जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, बॉल, ठीक है। यह खेल तुम अपनी कक्षा में खेल कर देखो, तुम इसे टीम बनाकर भी खेल सकते हो। तरह तरह की चीज़ें एक थैले में डालो, एक बच्ची की आँख पर पट्टी बांध दो, वह अपना हाथ थैले में डालेगी। अब उसे बताना यह है कि थैले में पकड़ी चीज़ छूने में कैसी है। टीम के बच्चों को उस चीज़ का नाम बताना है। तो कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो, अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो क्या वह किताब का भार उठा सकता है। पोस्ट कार्ड की जगह तुम कोई दूसरा कोई भी ले सकते हो। अब यह करके देखो, पोस्ट कार्ड को गोल मोड़कर एक पाइप बना लो, ओके। अब ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड है, इसे इस तरीके से मोड़ देना है गोल। टेप से दोनों मुड़े हुए छोर जोड़ दो। अब टेप लेकर के इसे दोनों तरफ से क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तीसरा देखिए, अब इस पर एक किताब रखो, क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा लेता है? देखो पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट, बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं, वे इस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो रानी कहती है, बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। ठीक है, रानी ने क्या कहा, जो बल्ला यानी बैट, बैट क्या होता है लंबा होता है, और गेंद क्या होती है गोल, गेंद यानी बॉल वो गोल होती है। तो रानी ने इसका जवाब बहुत ही जल्दी से दे दिया। तो ये गेम देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ज़रूर खेलना। सभी बच्चे गा रहे हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो मीनू कहती है, ये देखिए ये मीनू है, बोतल लंबी ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो देखिए बोतल क्या होती है, लंबी होती है, और बोतल के ऊपर लगा हुआ ढक्कन वो गोल होता है ना। और इस तरह से खेल चलता रहता है। तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो, बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज के नाम बोलो। खेल में जिस चीज़ का नाम एक बार बोल दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना है। ठीक है बच्चों।